नेशनल कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेट आईसीआर कृषि पर्यवेक्षक और कृषि से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 2007 से लगातार सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला राजस्थान का एकमात्र संस्थान है। कम फीस में बेहतर सुविधाएं ही एनसीए उदयपुर को राजस्थान का ही नहीं अपितु भारत का सर्वश्रेष्ठ कृषि संस्थान बनाती है। जेट आईसीएआर बीएचयू कृषि पर्यवेक्षक के साथ साथ 11वीं और 12वीं के लिए स्कूल प्लस कोचिंग उपलब्ध है। कृषि प्रतियोगी परीक्षाओं के सभी ऑनलाइन कोर्स संस्थान के मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आज ही जुड़े राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ कृषि संस्थान से। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं शिवदयाल राकट स्वागत करता हूं आप सभी का आज के डिजिटल क्लासेस पर। तो विद्यार्थियों तैयार हो जाइएगा अपनी आज की शानदार जानदार महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की क्लास में। तो एक बार सभी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, और जो विद्यार्थी लाइव नहीं जुड़े हैं एक बार आप सभी क्लास का जो लिंक है इसको लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर क्लास की सूचना प्रॉपर तरीके से आपके पास आए। चलो विद्यार्थियों, आज अपना जो एपिसोड रहेगा आपके सामने लिखा हुआ है 29वें नंबर का एपिसोड अपना होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल राम राम कर रहे हैं सभी विद्यार्थी। सावरमल वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनील जुड़ चुके हैं, डीके राजोरा जुड़ चुके हैं, अंकिता यादव जुड़ चुके हैं। लगभग लगभग हमारे सभी मित्र हमारे साथ, हमारा जो परिवार है वो धीरे धीरे एक साथ होने जा रहा है। तो विद्यार्थियों फटाफट मैं आपका 2 मिनट इंतजार कर रहा हूँ, आप जल्दी से एक बार जुड़ जाइएगा, फिर अपन अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से फटाफट फटाफट फटाफट, गाड़ी चलने वाली है ना। चलो आ जाओ आ जाओ। हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय खाटू श्याम जी, आप सभी का स्वागत है एनसीए डिजिटल क्लासेज पर। तो विद्यार्थियों आगाज करते हैं आज की क्लास का, 29वें नंबर का अपना एपिसोड है। चलो तो आज 29वें नंबर का एपिसोड है विद्यार्थियों। देखिएगा एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक लिस्ट नजर आ रही होगी विद्यार्थियों, आज आईसीएआर के काउंसलिंग की प्रथम लिस्ट आ चुकी है। तो जिन जिन विद्यार्थियों को इस प्रथम लिस्ट में या फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिला है उनको कल डॉक्यूमेंट जो है क्या क्या अपलोड करने हैं, तो ये सारी जो यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जो भी विद्यार्थी जिनका फर्स्ट जो राउंड है इसके अंदर रिजल्ट आया है उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा विद्यार्थियों। आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको टीसी अपलोड करनी है, जो एनटीए आईसीएआर का जो आपके एडमिट कार्ड था वो एडमिट कार्ड भी आपको अपलोड करना है। इसके अलावा आपको आधार कार्ड या कोई अदर कोई आईडी जो वेरीफाइड आईडी है उसको अपलोड करना है, साथ ही मूल निवास ये भी अपलोड करना है, चरित्र प्रमाण पत्र जो आपको स्कूल से मिल जाएगा जहां आपने लास्ट क्लास पढ़ी थी, चरित्र प्रमाण पत्र ये भी है ना। और इसके अलावा एक आपके जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण जो पत्र है ये आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, अपने स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चाहिए। हालांकि विद्यार्थियों आपको पता होगा ये एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, तो इसमें जो जाति प्रमाण पत्र है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का ही चाहिए। तो विद्यार्थियों ये सारे डॉक्यूमेंट हैं आपको कल अपलोड करने हैं, इसका कंप्लीट वीडियो कल एनसीए यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा इसका। तो विद्यार्थियों एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट,
टीसी एडमिट कार्ड जो आपका एग्जाम हुआ था, एडमिट कार्ड किसी के पास नहीं है तो अभी भी वो डाउनलोड कर सकता है एनटीए की वेबसाइट से, है ना। एनसी जो 10वीं 12वीं ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसके अलावा एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास, चरित्र प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो विद्यार्थियों ये सारे के सारे जो है आपको पता है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। किसी के पास एडमिट कार्ड नहीं है तो वो एनटीए की वेबसाइट से एडमिट कार्ड वापिस क्या है डाउनलोड कर सकता है। तो विद्यार्थियों ये कुछ आपको याद रखने हैं, ये सारे जो डॉक्यूमेंट है अपलोड करने हैं। चलो विद्यार्थियों अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। चलो तैयार हो जाइएगा आप लोग। ओके, ये रहा विद्यार्थियों आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने। भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष में शुरू की गई है? विद्यार्थियों आपके मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा आप लोग कि भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये कब प्रारंभ हुई है? आपको अब आंसर देना है। पहला जो क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका है विद्यार्थियों, फसल बीमा योजना, दीजिएगा आंसर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे साथ जो विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलो अब आपको आंसर देना प्रारंभ हो जाना चाहिए। चलो चलो आंसर दीजिएगा यहां पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये कब स्टार्ट हुई है ये आपको आंसर देना है। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर ज्यादातर विद्यार्थी चौथे ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल यहां पर मूछ वाले बनासा डी बता रहे हैं, अजय मीना डी बता रहे हैं। स्क्रीन पर दिख नहीं रहा है, कैसे नहीं दिख रहा है बेटा? चलो पुष्पेंद्र सिंह राठौर डी बता रहे हैं, ममता ने भी यहां पर डी बताया है, अजय मीना ने भी डी बताया है, रवीना धाकड़ ने भी डी बताया, सुनील उनका फोर्थ, अशोक पाल फोर्थ बता रहे हैं, अविनाश मीना फोर्थ बता रहे हैं, इसके अलावा चेतना कुमारी का फोर्थ आ रहा है, रवीना धाकड़ का फोर्थ आ रहा है। लगभग सारे विद्यार्थी यहाँ पर जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 बता रहे हैं। बिल्कुल विद्यार्थियों 1985, 1991, 2009, 2016, तो यहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो शुरुआत है विद्यार्थियों याद रखनी है, ये 18 फरवरी कब हुई विद्यार्थियों? 18 फरवरी 2016 को आपको याद होना चाहिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसके अंदर आपको पता है किसी भी आपदा से यदि फसल डैमेज होती है तो आपको पता है यदि उसका इंश्योरेंस है तो आपको पता है उसके अकॉर्डिंग हमारे को उसकी भुगतान राशि क्या है मिल जाती है। इस बीमा योजना के अंतर्गत कुछ प्रीमियम राशि है जो आपको याद रखनी है। प्रीमियम राशि वो आपको मैं बता देता हूं, देखिएगा प्रीमियम राशि जो है याद रखना है, खरीफ फसलों के लिए कितनी निर्धारित की गई है? तो खरीफ फसलों के लिए 2% निर्धारित की गई है। रबी फसलों के लिए विद्यार्थियों याद होना चाहिए 1.5%, और एक है आपके उद्यानिकी फसलें। उद्यानिकी जो फसलें हैं, इन उद्यानिकी फसलों की अपन बात करें तो इसके लिए जो ये प्रीमियम राशि है ये 5% निर्धारित की गई है। इस प्रीमियम राशि के अकॉर्डिंग भुगतान होता है। बिल्कुल विद्यार्थियों यहां पर क्या है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो 18 फरवरी 2016 को क्या है प्रारंभ की गई है ये योजना, तो आपको याद रखना है। लगभग यहां पर सभी विद्यार्थी राइट आंसर दे रहे हैं। विद्यार्थियों कमेंट करके बताइएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आपको बताना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये कब प्रारंभ हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? 2016 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा। भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को स्टार्ट हुई है, चलिएगा। बिल्कुल राइट आंसर यहां पर पुष्पेंद्र
दो खरीफ का 2% बता रहे हैं, बागवानी का 5% बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है विद्यार्थियों। चलिएगा विद्यार्थियों, अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑर्गेनिक कार्बनिक रासायनिक उर्वरक है? यहां पर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, CaN, डाई अमोनियम फोस्फेट, DAP, यूरिया, या इनमें से कोई नहीं? विद्यार्थियों आंसर दीजिएगा आप लोग। बिल्कुल, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 बता रहे हैं। बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दूसरा क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका है विद्यार्थियों, आंसर दीजिएगा। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, है ना, 51, 52, 53 बच्चे हैं और केवल लाइक 39 है, तो सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे सभी योद्धा हमारे साथ जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा चुके हैं वो। चलिएगा आंसर देना स्टार्ट कीजिएगा विद्यार्थियों। चलो तीसरे आंसर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, शिवदयाल का लाडला तीसरा, अजय मीना तीसरा, मोनिका रेखा तीसरा बता रहे, बलराम तीसरा बता रहे हैं, गणेश धाकड़ तीसरा, मूछ वाले बनासा तीसरा, यहां पर इसके अलावा पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ तीसरा दे रहे हैं, बिंदु राठौड़ यहां पर 4-3-3 आंसर आ रहा है। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र खटीक जो है, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गणेश धाकड़ तीसरा आंसर बता रहे हैं, अशोक पाल तीसरा बता रहे हैं, आर्यन ये तीसरा, ममता धाकड़ का भी तीसरा है, तो ज्यादा विद्यार्थी यहां पर तीसरे आंसर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल आप राइट आंसर यहां पर बताने जा रहे हैं। चलिएगा बाकी विद्यार्थी भी आंसर दीजिएगा आप लोग। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का, सबसे पहले देखो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट उर्वरक है, CaN, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है प्यारे बालकों, इसको ध्यान रखना, उदासीन उर्वरक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उदासीन उर्वरक के नाम से भी हम इसको जानते हैं, और इसमें ध्यान रखना, इसको किसान खाद के नाम से, किस नाम से? किसान खाद के नाम से। कमेंट करके बताइएगा इसको उदासीन उर्वरक क्यों बोला गया है, आपका सवाल सुन लीजिएगा विद्यार्थियों, इसको उदासीन उर्वरक क्यों बोला गया है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को, यह आपको बताना है विद्यार्थियों। इसके अंदर कितना परसेंट नाइट्रोजन होगा यह भी आपको कमेंट करके बताना है, कि नाइट्रोजन जो है इसके अंदर कितना प्रतिशत होता है। DAP ये तो आपको पता है फास्फोरस युक्त उर्वरक हो गया, क्या हो गया ये? फास्फोरस युक्त उर्वरक हो गया, ये अपने को ध्यान रखना है। यहां पर यूरिया बिल्कुल राइट आंसर है, इसके अंदर 46% नाइट्रोजन रहने वाली है, और बिल्कुल इसका आंसर क्या है? यूरिया, ध्यान रखना। और इनको ध्यान रखना, कार्बनिक उर्वरकों को हम क्या कहते हैं? एक नाम और बता देता हूं, एमाइड उर्वरक। क्या कहते हैं? एमाइड उर्वरक, ध्यान रखिएगा उर्वरक, एमाइड उर्वरक भी हम इसको कहते हैं, याद रखना विद्यार्थियों। यहां पर आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, गणेश धाकड़ ने सटीक आंसर दिया, सर इसके अंदर अमोनियम और नाइट्रेट पाया जाता है। बिल्कुल, इसके अंदर देखो 25% तो नाइट्रोजन होगा, और इसके अंदर आपको बताएं अमोनियम, अरे कौन सा नियम, अमोनियम, और एक और क्या पाया जाता है? नाइट्रेट, दोनों पाए जाते हैं, और आपको पता है दोनों एक दूसरे को उदासीन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेरे विद्यार्थियों, मेरे सारथियों, मेरे शेर और शेरनियों, आपने बिल्कुल सटीक आंसर दिया है, अमोनियम भी है नाइट्रेट भी है, इस वजह से ये उदासीन उर्वरक कहलाता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपने बता दिया, क्या बात है विद्यार्थियों, जबरदस्त आपकी तैयारी है। बिल्कुल 25% इसके अंदर नाइट्रोजन है, चलिएगा शाबाश, बहुत अच्छी बात विद्यार्थियों। अगला सवाल, आद्र गलन रोग से कौन से फल फसल में, आद्र गलन रोग कौन सी फसल में पाया जाता है? डैम्पिंग ऑफ डिजीज इज कॉमन इन विच फ्रूट क्रॉप? पपीता, आम, नींबू, आंवला। आद्र गलन जो है वो मुख्य रूप से किस फसल में पाया जाता है? विद्यार्थियों क्लास को जरूर लाइक करें आप, है ना, 65 बच्चे हमारे साथ, 64 बच्चे हमारे साथ, लाइक करने में क्या दिक्कत है? लाइक ठोक दीजिएगा, एक बार दबा के लाइक ठोक दो आप, ताकि जबरदस्त जुनून जोश पैदा हो जाए आप में, मुझ में। चलिएगा विद्यार्थियों आंसर दीजिएगा आप लोग।
चलो यहां पर विद्यार्थियों का आंसर जो आ रहा है, मानसी का यहां पर पहला, आर्यन लक्षकार पहला, धनराज गुर्जर पहला बता रहे हैं, अमित कुमार पहला बता रहे हैं, संध्या रवीना संगीता ये पहला बता रहे हैं, पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ पहला बता रहे हैं, अविनाश मीना पहला बता रहे हैं, मानसी पांचल जो है ये पहला बता रहे हैं, रवीना धाकड़ पहला, मूंछ वाले बनासा पहला बता रहे हैं, सतवीर जो है वो पहला बता रहे हैं, भव्या पहला बता रहे हैं, ममता पहला बता रहे हैं, इसके अलावा देखिएगा आप लोग अंकित लबाना पहला बता रहे हैं। यहां पर हमारे प्यारे प्यारे बब्बर शेर और शेरनियां जो है पहले आंसर की तरफ जा रहे हैं, क्या बात है। आइए जानते हैं क्या रहस्य छुपा हुआ इस प्रश्न के अंदर, क्या वाक्य में आदर गलन पपीता में होता है या आप गलत बता रहे हैं, जानने के लिए एपिसोड में बने रहना पड़ेगा आपको। पपीता, आम, नींबू, आंवला, बताइएगा इसका क्या आंसर है। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों के द्वारा पहला आंसर दिया जा रहा है। विद्यार्थियों चलिएगा बात करते हैं, आदर गलन जो है, पहली चीज तो हमें यह पता होना चाहिए, आदर गलन जो है जहां पर जल निकास की समस्या होती है ना, जल निकास जहां पर पानी अत्यधिक भर जाता है और प्रॉपर जल निकास की व्यवस्था यहां पर नहीं है, है ना, जल निकास की व्यवस्था नहीं है वहां पर, आपको पता है आदर गलन जो है ये डिजीज ज्यादा प्रॉब्लम करती है। और अब इस डिजीज की बात करें, ये एक कवक जनित बीमारी है, किससे होती है, कवक से। ये फ्यूजेरियम, याद रखिएगा विद्यार्थियों, ये फ्यूजेरियम या पीतियम स्पीसीज जो होती है ना, या पीतियम स्पीसीज जो होती है कवक की, उससे ये डिजीज ज्यादा होती है विद्यार्थियों। तो याद रखना, जैसे हम बात करें नर्सरी का सबसे घातक भयंकर रोग जो होता है वो आदर गलन ही होता है ना, बिल्कुल विद्यार्थियों, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, दीजिएगा आंसर, है ना। चलो 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 विद्यार्थी, क्लास को लाइक करें, है ना, लाइक हो रहे नहीं हो रहे, 73 बच्चे हमारे साथ हैं और मेरे मोबाइल में क्यों नहीं आ रहे लाइक। चलो चलो चलो, ओके ओके ओके, चलो है ना, दीजिएगा आंसर। यहां पर क्या है, यहां पर पहला जो आंसर है वो ज्यादातर, बिल्कुल बिल्कुल, नर्सरी का मुख्य रोग, बिल्कुल, और पपीता में भी लगता है। अरे किसमें लगता है, पपीता का भी रोग है, नर्सरी का भी रोग है, बहुत सारों का रोग है, केवल इंसानों का रोग नहीं है। क्यों, क्योंकि ये होता ही पादपों में, आप भी नहीं पढ़ोगे आदर गलन रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा, है ना, नाबार्ड का मुख्य कार्यालय कहां स्थित है, हेड ऑफिस ऑफ नाबार्ड, ये आपको बताना, क्या मुंबई में, क्या दिल्ली में, क्या जयपुर में, क्या चेन्नई में, पांचवा ऑप्शन क्या अपने गांव में, बताइएगा। अपने गांव में तो नहीं है, ये भी आपको सोच लेना है। चलिएगा बिल्कुल, अब राइट आंसर देना स्टार्ट हो जाओ विद्यार्थियों। मुंबई में, दिल्ली में, जयपुर में, चेन्नई में, ये नाबार्ड कहां है, शिवदयाल का लाडला पहला बता रहे हैं, इसके अलावा यहां पर किशन जाट पहला बता रहे हैं, अजय मीना पहला, रोम रोम पस्ट बता रहे हैं, इसके अलावा पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ए बता रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र जो है वो पांचवा बता रहे हैं, इसका मतलब उनके गाँव में ही है नाबार्ड, है ना। संध्या रवीना, संध्या संगीता दूसरा, अमित कुमार यहाँ पर दूसरा बता रहे हैं, देखिएगा, है ना विद्यार्थियों, राइट आंसर आप बिल्कुल दे रहे हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर और कितने विद्यार्थी दे पाते हैं। चलिएगा विद्यार्थियों, सवाल नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पहली चीज, मैं आपसे दो क्वेश्चन कर रहा हूं और दो क्वेश्चन जो है ये आज के कौन बनेगा करोड़पति वाले सवाल हैं। विद्यार्थियों नोट कीजिएगा, अपना पेन रजिस्टर साथ में रखो। सवाल नंबर पहला ये है कि जो नाबार्ड है, इस नाबार्ड को हमारे देश में, यानी कि हमारे राष्ट्र को कब समर्पित किया गया है। वापिस रिपीट, नाबार्ड को हमारे देश जो है, हमारे देश को कब समर्पित किया और किसने किया, ध्यान से सुनिएगा, नाबार्ड को, राष्ट्र को कब समर्पित किया गया और नाबार्ड की स्थापना कब हुई, ये तो आपको समर्पित बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नाबार्ड की स्थापना बतानी है, दोनों अलग अलग चीज है। देखते हैं कौन जीता है यहां पर आज का शानदार जानदार प्रश्न, दे दीजिएगा आंसर, यहां पर क्या आंसर होने वाला है।
दीजिएगा। यहाँ पर स्थापना जरूर बता रहे हैं विद्यार्थियों, और यहाँ पर समर्पित कब हुआ ये अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। देखते हैं राष्ट्र को कब समर्पित किया गया ये आपको बताना है विद्यार्थियों। मैंने कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर बताया होगा आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा स्थापना तो सभी विद्यार्थी बता रहे हैं, इसकी स्थापना 12 जुलाई, ध्यान रखना 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई है। ये तो स्थापना हो गई, राष्ट्र को कब समर्पित किया गया, राष्ट्र को समर्पित यहां पर हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा, किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा, श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया। और आपको पता है इंदिरा गांधी ने समर्पित कब किया, 5 नवंबर, नोट कर लीजिएगा फिर क्वेश्चन आएगा, 5 नवंबर 1982 को क्या है राष्ट्र को समर्पित किया गया, इसको याद रखना है। इंदिरा गांधी जो मुख्यमंत्री थी हमारी स्ववर्गीय इंदिरा गांधी जो मुख्यमंत्री है उन्होंने प्रधानमंत्री है 5 नवंबर 1982 को राष्ट्र को क्या किया है, समर्पित किया है, याद रखिएगा। और इसी बैंक का मुख्यालय कहां है, मुंबई में है, कहां है विद्यार्थियों, मुंबई में है। बिल्कुल बिल्कुल आपने इस क्वेश्चन का सटीक राइट आंसर दिया है। कुछ बच्चे स्थापना जरूर बताई है यहां पर, है ना, स्थापना जरूर बताई गई है लेकिन आपने समर्पित कब किया यह हमने बता दिया, 5 नवंबर 1982। विद्यार्थियों अगला सवाल जबरदस्त, उभय द्विगुणित ब्रैसिका जुंसिया निम्न में से किसके संकरण द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शन पढ़िएगा, ब्रैसिका कंपेस्ट्रिस, ब्रैसिका नेपस, ब्रैसिका कंपेस्ट्रिस इंटू ब्रैसिका नाइग्रा, ब्रैसिका कैरिनाटा इंटू ब्रैसिका नाइग्रा, ब्रैसिका नाइग्रा इंटू ब्रैसिका ओलेरेसिया। आंसर दीजिएगा विद्यार्थियों, जबरदस्त आंसर है विद्यार्थियों। यहां पर राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का, चौथा ऑप्शन यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर देके कौन देता है जल्दी देखते हैं। तीसरा आंसर यहां पर दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन को आपको अब समझना पड़ेगा। दूसरा आंसर पता है यहां पर, दूसरा आंसर अमित कुमार, चौथा आंसर कृष्णा सविता, पहला आंसर सही आंसर अभी तक नहीं आया, संध्या रवीना, संध्या संगीता, इनका जो है चौथा आंसर आ रहा है। अब देखो विद्यार्थियों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज है ये क्वेश्चन, आपको पता है अधिकतर विद्यार्थी गलत कर रहे हैं। अरे विद्यार्थी क्या कर रहे हो आप लोग, गलत कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं लेके आ रहा हूं, उठाओ पेन और उठाओ कॉपी और लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ये एक आपको पता है त्रिकोण है, क्या है ये, नागाहेरू जो वैज्ञानिक था नागाहेरू, इसने आपको पता है सरसों का एक त्रिकोण बनाया है, क्या बनाया है त्रिकोण, याद रखना वहां से निकलेगा कैसे, देखो इस तरीके से सर ने आपको बताया होगा इसके अंदर क्या है, ध्यान रखना एन ओ सी, याद रखनी है सी एन जे, अब यहां से आंसर निकलेगा, निकलेगा यहां हो जाएगा ब्रैसिका नाइग्रा, ठीक है, या निग्रा, ब्रैसिका निग्रा हो जाएगा, यहां हो जाएगा ब्रैसिका कैरिनाटा, कैरिनाटा हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा ब्रैसिका ओलेरेसिया। अरे विद्यार्थियों थोड़ा सा दिल थाम के बैठिएगा आप, ओलेरेसिया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ये हो जाएगा ब्रैसिका नेपस, याद रखिएगा यहां पर, याद रखिएगा एन ओ सी। यहां पर तीसरा जो है याद रखना ब्रैसिका कंपेस्ट्रिस, क्या हो जाएगा ब्रैसिका कंपेस्ट्रिस, याद रखना है, और ये क्या हो जाएगा ब्रैसिका जुंसिया, और आपको पूछा गया है जुंसिया, क्या पूछा गया है जुंसिया, इसमें एन बराबर क्या हो जाएगा 8, इसमें एन बराबर 9 और इसमें एन बराबर 10, अब इसमें 2n बराबर यहां हो जाएगा 16, इसमें 2n बराबर 18 और इसमें 2n बराबर 20, अब यहां से आप इनके क्रोमोसोम भी निकाल सकते हैं विद्यार्थियों। बिल्कुल यहां पर देखिएगा
बिल्कुल पोस्टमार्टम चल रहा है क्वेश्चन का, बिल्कुल विद्यार्थियों क्वेश्चन की पूरी है ना, यहाँ क्वेश्चन का पूरा दमखम निकाल देंगे अपन, ठीक है। अब इसके और इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर आ जाएंगे, आठ और नौ कितने होते हैं बताओ, आठ और नौ कितने होते हैं यहां पर 17, तो यहां पर n बराबर 17 तो 2n बराबर कितने हो जाएंगे 34। यहां पर देखिएगा 9 और 10 19, तो यहां पर आपको पता है n बराबर 19 और 2n बराबर 38 हो जाएंगे। यहां पर n 10 है और ये 18, तो यहां पर n बराबर कितने हो गए 18 हो गए और 2n बराबर 18 दुना 36 हो गए। ध्यान रखना ये है भारतीय सरसों, कौन सी सरसों, भारतीय सरसों है और इसी का नाम आपको पूछा गया है कि ब्रेसिका जुन्सिया। अब देखो जुन्सिया निग्रा और कंपेस्ट्रिस इन दोनों का क्या है विद्यार्थियों, क्रॉस है। और अब यहां से राइट आंसर हमारा बहुत आसानी से निकल सकता है, अब यहां से देखिएगा राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों, सबने गलत किया था। तो ब्रेसिका जुन्सिया का निग्रा और कंपेस्ट्रिस ढूंढिएगा, निग्रा और कंपेस्ट्रिस आ जाओ, क्या ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस ब्रेसिका नेपस, गलत, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस ब्रेसिका निग्रा ये इसका आंसर है। तीसरा और चौथा गलत हो जाएगा, दूसरा इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादातर विद्यार्थियों ने अब इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादा सही दे रहे हैं, बिल्कुल विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। बिल्कुल आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किधर गया क्वेश्चन है ना, यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपको पता है यू ट्राइंगल, क्या है यू ट्राइंगल है, बिल्कुल यहां से आप क्या है आंसर अब अपना निकल जाएगा। ब्रेसिका नेपस पूछा जाए ओलेरेसिया इंटू ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ब्रेसिका कैरिनाटा पूछा जाए ब्रेसिका निग्रा और ब्रेसिका ओलेरेसिया, कोई सा भी क्रॉस हमारे से पूछे हम यहां पर आंसर देंगे, अब नहीं होगा कभी, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, हम इसीलिए तो यहां पर प्रयास कर रहे हैं विद्यार्थियों। चलिएगा विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, पशुओं में गीले हरे चारे को अत्यधिक खाने के कारण क्या होता है बताइएगा आप लोग, पशु जो है अत्यधिक गीला हरा चारा खा लेता है, दुग्ध जबर कीटोसिस टिम्पेंटाइटिस और एजोटूरिया बताइएगा आप लोग, नेहा सोनी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरसाना लक्ष्मी लक्ष्मणगढ़, स्वागत है बेटा आपका प्रिंस सोनी एनसीए डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है आपका। जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं, जो भी विद्यार्थी आज हमारे परिवार में बड़े हैं, जिन्होंने आज हमारी क्लास पहली बार ज्वाइन की है, मैं बता देता हूं आपको डेली क्लास लेनी है विद्यार्थियों, 8 बजे ये क्लास प्रारंभ होती है और घंटे भर की ये क्लास चलती है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर के संपूर्ण प्रश्नों को बेहतरीन ढंग से रिप्रेजेंट किया जाता है। महत्वपूर्ण सूचना ये भी बता देता हूं, जो विद्यार्थी हमारे साथ बोर्ड के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनके लिए हम शानदार जानदार मॉडल पेपर की सीरीज लेके आने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं आपके बोर्ड के एग्जाम में पूरे के पूरे क्वेश्चन वहां से हम कोशिश करेंगे कि मॉडल पेपरों में से ही आए। तो विद्यार्थियों बने रहे क्लास के साथ, चलो आंसर भी दो। चलो मूंछ वाले बनासा का यहाँ सी आ रहा है, राजेंद्र का तीसरा आ रहा है, मानसी का तीसरा आ रहा है, आर्यन का तीसरा आ रहा है, ज्यादातर विद्यार्थी जो हैं तीसरे आंसर यहाँ पर दे रहे हैं। बिल्कुल विद्यार्थियों लाइक शेयर भी करते रहे, बीच बीच में लाइक शेयर भी करते रहिएगा, 81 बच्चे हमारे साथ हैं है ना, लाइक शेयर करते रहिएगा, आपको खूब मजा आने वाला है। देखो अभी आपको है ना अभी जोश और जुनून बढ़ने वाला है, बिल्कुल आपको क्लास को बेहतरीन ढंग से क्या है लाइक शेयर भी करते रहा करो है ना। चलिएगा आप लोग विद्यार्थियों, चलो देखते हैं यहां पर राइट जो आंसर दिया जा रहा है वो कौन सा दिया जा रहा है, तीसरा आंसर दिया जा रहा है। खान साहब हमारे तीसरा दे रहे हैं, कालूराम यादव तीसरा दे रहे हैं, गुड्डी डांगी तीसरा दे रहे हैं, कालूराम यादव तीसरा दे रहे हैं, अजय मीना तीसरा दे रहे हैं, पुष्पेंद्र सिंह राठौर तीसरा दे रहे हैं, बिल्कुल यहां पर ज्यादातर विद्यार्थी जो है वो तीसरा आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अब इस क्वेश्चन को भी अपन देख लेते हैं। देखो
अत्यधिक गीला हरा चारा खाने की वजह से पेट में जो रुमेन होता है, इस रुमेन के अंदर आपको पता है ना गैस भर जाती है ना, गैस भर जाने की वजह से पेट जो है ना वो बाई ओर से फूल जाता है। अरे विद्यार्थियों कई ओर से फूल जाता है, बाई ओर से ध्यान रखना, बाई ओर से क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, ढोल जैसे डम डम बजाओ उसको, है कि नहीं है, बड़ा सा मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि रुमेन के अंदर गैस भर गई। और आप सोचो गैस आपके शरीर में भर जाए तो क्या होगा, एक नहीं है। तो वैसे जानवरों के पेट में भी क्या है, गैस भर जाती है, विषैली गैसें भर जाती है तो पेट भारी हो जाता है, जिसको हम कहते हैं आपरा। अरे क्या कहते हैं, आपरा, अपन कहते हैं हिंदी में आपरा, उसके अंदर आ जाता है। और पेट भारी होने की वजह से आपको पता है कहीं ना कहीं जो पशु होते हैं उनमें दिक्कत होती है। दूसरी चीज, ये जो आपरा है जुगाली करने वाले, अरे कौन से रोमंती, जुगाली करने वाले, जो जुगाली करने वाले हैं उनके अंदर आपको पता है ये समस्या ज्यादा होती है। इसलिए ध्यान रखना है कि इसके अंदर कौन सा होगा, टिम्पेनटाइटिस होगा, तीसरा इसके अंदर राइट आंसर होगा। और बिल्कुल हमारे बब्बर शेर और शेरनियों ने इसका आंसर क्या दिया है, तीसरा दिया है। बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो तीसरा हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया है। चलिएगा देखते हैं इस क्वेश्चन का, बाकी सभी विद्यार्थी, दिव्यांशु शर्मा बिल्कुल आपरा, कृष्णा तिवारी आपरा, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त, यहां पर आपरा हो जाता है, बिल्कुल आपरा, बिल्कुल। चलो विद्यार्थियों, अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा, फल वाले पौधों में कोलेटोट्राइकम प्रजातियां कौन सी बीमारी फैलाती है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज, आज बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग। किंग मीना आपका भी स्वागत है, मीना साहब, दिव्यांशु शर्मा, ज्योति शर्मा, जो भी है हमारे साथ सबका स्वागत है। हरसाना स्कूल से हूं, बिल्कुल बेटा आपको डेली क्लास लेनी है, दीजिएगा आंसर इस क्वेश्चन का आंसर। दिव्यांशु शर्मा सर, मैं आरसी पारासर करौली से हूं, आपका भी स्वागत है। शिवदयाल का लाडला फोर्थ यहां पर दे रहे हैं, पुष्पेंद्र डी बता रहे हैं, अमित कुमार फोर्थ बता रहे हैं, कालूराम यहां पर फोर्थ बता रहे हैं। इसके अलावा देखो पुष्पेंद्र का डी आ रहा है, नीरज इनका फोर्थ आ रहा है, भाविका सुतार का फोर्थ आ रहा है, कृष्णा सविता का यहां पर तीसरा, कुछ तीसरा भी दे रहे हैं, निकिता मीना फोर्थ बता रहे हैं, ज्योति निकिता फोर्थ बता रहे हैं, सतवीर फोर्थ बता रहे हैं, आर्यन फोर्थ बता रहे हैं, बलराम लाइक करे सभी, बिल्कुल सभी लाइक करे, ज्योति निकिता फोर्थ बता रहे हैं, सविता जो है वो फोर्थ है, बलराम कुमार जो है, इसके अलावा सभी विद्यार्थी फोर्थ बता रहे हैं, रजत जो है वो भी फोर्थ बता रहे हैं, हमारे खान साहब ये भी फोर्थ बता रहे हैं, सतवीर जो है फोर्थ बता रहे हैं। चलिएगा, चेतना कुमारी यहां पर तीसरा बता रहे हैं, कुछ यहां पर तीसरा, कुछ चौथा बता रहे हैं। यहाँ पर ज्यादातर विद्यार्थी जो हैं सर रोजाना क्लास लेनी है, बिल्कुल रोजाना क्लास लेनी है आपको। देखिएगा देखिएगा, जुलसा जो है ये आपको पता है नहीं होता है, स्केब ये भी नहीं होता है, पादप विलगन ये भी नहीं होता है। देखो जुलसा तो आपने पढ़ा होगा, आलू का जुलसा, अगेती अंगमारी, पचेती अंगमारी आलू में होते हैं, ये जुलसा आपने पढ़ा होगा, अल्टरनेरिया सोलेनाई, अगेती जुलसा, पचेती जुलसा, फाइटोफथोरा इन्फिटेंस, तो जुलसा तो है वो आपको पता है कोलेटोट्राइकम प्रजाति से होता ही नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर फोर होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, श्याम वर्ण जिसको अपन कहते हैं, एंथ्रेक्नोज जो है वो करेक्ट आंसर होगा। कोलेटोट्राइकम प्रजातियां जो कवक की प्रजातियां हैं, क्या किसकी है, ये कवक है और इसकी वजह से आपको पता है एंथ्रेक्नोज होगा। बिल्कुल विद्यार्थियों, अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जीरे का झुलसा रोग का कारक, स्टार लगाओ इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को स्टार लगाओ आप, कई बार और पूछा जाएगा। जीरे के झुलसा रोग का कारक कौन सा है, बताइएगा आप लोग। बिल्कुल विद्यार्थियों, जोश और जुनून के साथ बने रहे आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल है ना, बताइएगा आप लोग, है कि नहीं है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, विद्यार्थियों सुनिएगा आप लोग, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा।
रक हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, है ना, थककर न बैठ ए मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो विद्यार्थियों आपको बिल्कुल अपनी मंजिल के लिए यहां पर टिके रहना है ना, तब हमारे को क्या है मंजिल यहां पर मिलने वाली है। दीजिएगा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, अल्टरनेरिया अल्टरनेटा, अल्टरनेरिया टेनिस, अल्टरनेरिया बर्नसाई, जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस। बिल्कुल यहां पर राइट आंसर तीसरा दिया जा रहा है, कुछ बच्चे यहां पर तीसरा, कुछ बच्चे यहां पर चौथा बता रहे हैं, देखते हैं। अल्टरनेरिया अल्टरनेटा यह सरासर गलत होगा, अल्टरनेरिया टेनिस ये भी गलत होगा, जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस ये भी गलत होगा, अल्टरनेरिया बर्नसाई ये इस क्वेश्चन का हो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल तीसरा जिन्होंने बताया है, बलराम कुमार ने तीसरा बताया है, हमारे खान साहब का डी आ रहा था, खान साहब गलत हो गया अपना, रजत सिंह तीसरा बता रहे हैं, किंग मीना जो है वाह सर क्या बात है, आर्यन लक्षकार तीसरा बता रहे हैं, पुष्पेंद्र का सी आ रहा है, बिल्कुल अल्टरनेरिया बर्नसाई इसका क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पे, उस जोड़े का चयन करें, अरे विद्यार्थियों उस जोड़े का चयन करें जो सही मेल नहीं खाता है। विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के 5 स्टार, कितने स्टार, 5 स्टार लगाओ इस क्वेश्चन के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दावा है फिर कहीं ना कहीं एग्जाम में छपेगा ये। दीजिएगा आंसर आप लोग, दीजिएगा आंसर, क्या आंसर होगा इसमें, आंसर दीजिएगा, बाबू तस्कर इनका तीसरा आया है ना। बिल्कुल विद्यार्थियों आप बहादुर बन के आंसर दीजिएगा, है ना, निडर होके आंसर दीजिएगा, टीपा टापी नहीं करनी है कि नहीं, आपको पता है ना कि वो कहते हैं ना कि जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। विद्यार्थियों सुनिएगा, जीत निश्चित है तो कायर भी लड़ सकते हैं, अरे बहादुर वो कहलाते हैं हार निश्चित है फिर भी मैदान नहीं छोड़ते हैं। विद्यार्थियों हमारी जीत सुनिश्चित है, आप अंतिम समय तक हमारे साथ बने रहिएगा, मंजिल भी, मंजिल तक हम आपको जरूर लेके जाएंगे। विद्यार्थी यहां पर तीसरे आंसर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एमर गेहूं टिट्रिकम डाइकोकम, मैक्रोनी टिट्रिकम ड्यूरम, मैक्सिकन गेहूं टिट्रिकम एस्टिवम, भारतीय बोना गेहूं टिट्रिकम वल्गेर, तीसरा आंसर यहां पर जा रहा है। जूम कर देते हैं, ये लो थोड़ा सा जूम कर देते हैं, अब देखो तीसरा आंसर जो है वो ज्यादा जा रहा है, ज्यादा यहां पर आंसर दे रहे हैं विद्यार्थी। संध्या रवीना, संध्या संगीता इनका चौथा आ रहा है, और पुष्पेंद्र राठौड़ ने अब डी दिया है, अब कुछ विद्यार्थी धनराज गुर्जर जो है वो सेकंड बता रहे हैं, अशोक जाट फोर्थ बता रहे हैं। चलो देखते हैं विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एमर गेहूं टिट्रिकम डाइकोकम बिल्कुल सही है, मैक्रोनी टिट्रिकम ड्यूरम ये भी सही है, मैक्सिकन बोना गेहूं अरे ये सामान्य चपाती गेहूं है ये, अरे रोटियां बनती है इनसे, रोटियां सामान्य चपाती, ध्यान रखना चपाती गेहूं थाली के अंदर जो डेली चपाती आती है वो टिट्रिकम एस्टिवम, अरे ये वही एस्टिवम जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है, है ना, सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो गेहूं काम में या उगाया जाता है ना वो एस्टिवम है, भारतीय बोना गेहूं, अरे बोना वल्गेर नहीं है, यहाँ पर टिट्रिकम स्पेरो कोकम आएगा, स्पेरो कोकम को कम ये होता तो ये आपको पता है इसका मिलान है। टिट्रिकम वल्गेर ये ब्रेड गेहूं का नाम है, अरे ब्रेड पर बर्गर पिज्जा याद है ना, ये ब्रेड गेहूं का नाम है, ध्यान रखना टिट्रिकम वल्गेर, रिपीट टिट्रिकम वल्गेर ब्रेड गेहूं का नाम है और भारतीय बोना गेहूं का नाम है टिट्रिकम स्पेरोकोकम, और हमें पूछा गया है मेल नहीं खाता है, अरे मेल नहीं बना रहा है, जोड़ा नहीं बन रहा है, वो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा विद्यार्थियों, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर है वो कौन सा होगा विद्यार्थियों, यहां पर राइट आंसर अब आपने दे दिया है, राइट आंसर यहां पर भारतीय बोना गेहूं। चलो विद्यार्थियों
अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा, रेनबो कौन से फल की किस्म है? अरे विद्यार्थियों रेनबो कौन से फल की किस्म है बतानी है, आम की, पपीता की, केला की और अनानास की, बताइएगा रेनबो। रेनबो किस फल की किस्म है बताना है विद्यार्थियों। है ना, आम की, पपीता की और केला और अनानास बताना है विद्यार्थियों। चलिएगा विद्यार्थियों देखते हैं यहां पर रेनबो। देखो विद्यार्थियों दो किस्में हैं, एक तो है रेनबो, कौन सा बो, रेनबो, और दूसरा है अप। अरे कौन सा अप, सन अप, याद रखना। ये दोनों किस्में जो है, ये दोनों किस्में, पहले तो रिंग स्पॉट जो वायरस होता है, याद रखना रिंग स्पॉट जो वायरस होता है इसके लिए क्या है, प्रतिरोधी है ये, है ना, प्रतिरोधी है, याद रखना प्रतिरोधी। अब पहली चीज हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये रिंग स्पॉट वायरस जो डिजीज है ना, ये किस में होती है, तो ये पपीता में होती है। अरे पपीता में होती है तो रेनबो और सनअप भी किसकी होगी, पपीता की होगी, और राइट आंसर भी क्या होगा, पपीता। सर बाकी गलत होंगे? हाँ बाकी गलत होंगे, ये लो दूसरा आंसर, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर यहां पर दूसरा हो जाएगा। चलिएगा विद्यार्थियों ये सवाल आपके सामने मैंने रख दिया है। चलो बिल्कुल, विद्यार्थियों अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा, जबरदस्त क्वेश्चन है ना, पूरा पेज भरा हुआ है, ढंग से पढ़ना पड़ेगा। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से सुमेलित कर नीचे दिए गए आंसर्स जो है उनका मिलान करना है। कॉलम फर्स्ट के अंदर तत्व का नाम है, कॉलम सेकंड के अंदर तत्व के कार्य का नाम है। विद्यार्थियों क्वेश्चन देख के मैदान नहीं छोड़ना है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। और सर यो कतरो बड़ो प्रश्न लाया था, मां तो पढ़ी न पा रिया। कोशिश करता हूं मैं आपको, ऊपर तो कॉलम है, अब देखो देखे अब दिख जाएगा, इसकी साइज अब ज्यादा बड़ी नहीं हो रही है, हो रही है। चलो देखते हैं, अब देखो आपके पढ़ने में आ रहा होगा, ऊपर कॉलम है, केवल कॉलम को तो क्या पढ़ोगे आप। चलो अब मिलान करो, आप नहीं दिख रहा है, अब कैसे नहीं दिख रहा है यार बेटा, अब तो मैंने बड़ा कर दिया ना इसको, स्क्रीन को और बड़ा कर देते हैं। चलो लो अब देव आंसर, अब इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, है ना। चलिएगा नहीं दिख रहा है, चलो देखिए कोशिश कीजिएगा विद्यार्थियों, कोशिश कीजिएगा, दिख जाएगा, नहीं दिख रहा, दिख रहा, कोशिश करो, कोशिश क्यों नहीं दिख रहा है। चलो मैं बता देता हूं, मैं सुनिएगा, आप लोग सुनिएगा, पहले के सामने फास्फोरस और लिखा हुआ है, पहले फास्फोरस एक तरफ, फास्फोरस पोटेशियम बोरोन और जिंक लिखे हुए हैं, फास्फोरस पोटेशियम बोरोन और जिंक लिखे हुए हैं। दूसरी तरफ पहले नंबर में लिखा हुआ है, पौधों में रसाकर्षण दाब की सहन क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान। दूसरा है, ऊर्जा स्थानांतरण में सम्मिलित होता है। तीसरा, कमी से धान में खैरा रोग होता है। पराग कणों के बनने और पराग नली की बढ़ोतरी में महत्वपूर्ण योगदान। अब आंसर दे, आप लोग नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को बाद में सोल्व कर लेना, दिख तो रहा है ना। देखो आंसर दे रहे हैं, शिवदयाल का लाडला पहला, अमित कुमार पहला बता रहे हैं, सतीश खटाना पहला बता रहे हैं, ज्यादातर विद्यार्थी है ना यहाँ पर अमित का पहला आ रहा है। चलो मैं सोल्व करता हूं इसको, आप तब तक, आपको दिख रहा है तो सोल्व करो आप लोग। देखो फास्फोरस जो है ये ऊर्जा स्थानांतरण में काम आता है, आपको पता है ना कि ऑफ लाइफ के नाम से किसको जाना जाता है, फास्फोरस को जाना जाता है। पोटेशियम जो है पौधों में रसाकर्षण दाब की सहन, आपको पता है ये सभी चीजों के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है। जिंक जो है वो धान में खैरा रोग के लिए, और बोरोन आपको पता है जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये पोलन ट्यूब का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, पोलन ट्यूब अर्थात पराग नलिका का ये निर्माण करता है। तो यहां पर बोरोन के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब देखो यहां पर पहले का तो हो जाएगा, यहां पर ध्यान रखना पहले का, देखो एक तरफ दोनों ऑप्शन यहां पर, पहले का देखो यहां पर फास्फोरस का हो जाएगा, दूसरा
और पोटेशियम का हो जाएगा, यानी कि दूसरे का हो जाएगा पहला, इसके अलावा तीसरे का हो जाएगा चौथा, और चौथे का हो जाएगा तीसरा। तो दो एक चार तीन, दो एक चार तीन, बिल्कुल राइट आंसर। यहां पर हमारे कहीं शेर और शेरनियों ने राइट आंसर दिया है। राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। बड़ी मेहनत के बाद इस क्वेश्चन का आंसर हमने निकाला है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आता है तो आप गलत नहीं करेंगे विद्यार्थियों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। विद्यार्थियों अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पे, पेक्टिन नापा जाता है ना, नापा तो क्या मापा जाता है ऐसे समझ लो आप, ठीक है, क्या जेल मीटर से, क्या थर्मोमीटर से, क्या रिफ्रेक्टोमीटर से, क्या सोलोमीटर से, बताइएगा पेक्टिन किससे मापा जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया विद्यार्थियों, उसको वो हो गया वो क्वेश्चन, पेक्टिन मापा जाता है, बताइएगा आप लोग। चलो पेक्टिन किससे मापा जाता है, दीजिएगा राइट आंसर। लाडले साहब का पहला आ रहा है, मीना साहब जो है, शिवंत मीना जो है वो पहला, संध्या रवीना संगीता इनका पहला, और सतीश कटाना पहला बता रहे हैं, भव्या जो है वो पहला बता रहे हैं, कालूराम पहला बता रहे हैं, खान साहब पहला बता रहे हैं, शैलेश कुमार जो है वो भी पहला बता रहे हैं, मूंछ वाले बनासा पहला बता रहे हैं, ज्योति निकिता पहला बता रहे हैं, अजय मीना पहला बता रहे हैं, अविनाश मीना पहला बता रहे हैं, कालूराम मीना पहला बता रहे हैं, आर्यन मीना पहला बता रहे हैं, रवीना धाकड़ पहला बता रहे हैं, धनराज धाकड़ पहला है। चलिएगा यहाँ पर सभी विद्यार्थी पहला आंसर दे रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। क्या थर्मामीटर? अरे थर्मामीटर तो आपको बताया जब जेली बन जाती है तो अंतिम बिंदु की पहचान जो होती है वो थर्मामीटर से की जाती है कि नहीं है? तापमान, जेली का तापमान जो है थर्मामीटर से, रिफ्रेक्टोमीटर से, विद्यार्थियों याद रखना रिफ्रेक्टोमीटर से टीएसएस मापा जाता है, और सोलोमीटर से आपको पता है नमक की सांद्रता, कंसंट्रेट ऑफ सोल्ट, ध्यान रखना नमक की सांद्रता, यहां पर कंसंट्रेट ऑफ सोल्ट ये जो है वो किससे मापा जाता है? सोलोमीटर से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेल मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल विद्यार्थियों पहला आंसर करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पे, हैप्पी एंड और फ्रेंडशिप, है ना, फ्रेंडशिप और हैप्पी एंड, आप बहुत फ्रेंडशिप करते हैं ना, अब बताओ देखो किसकी किस्म है, गुलाब की, ग्लेडियोलस की, कार्नेशन की, गेंदा की, बताइएगा, बताइएगा विद्यार्थियों फ्रेंडशिप जो है वो किसकी किस्म है आपको बतानी है। क्या ग्लेडियोलस की है? आज ही पढ़ाया मैंगो। अच्छा चलिएगा, गुलाब की, ग्लेडियोलस की, कार्नेशन की, गेंदा, बताइएगा विद्यार्थियों क्या राइट आंसर होगा। दीजिएगा आंसर यहां पर, राइट आंसर जो है वो ज्यादातर पहला बता रहे हैं। चलो देखिए यहां पर राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों, चलिएगा यहां पर रोज बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, और ममता ने पहला बताया है, पुष्पेंद्र ने भी पहला, धनराज ने यहां पर सेकंड बताया है। अरे विद्यार्थियों यहां पर जो है हैप्पी एंड और आपको फ्रेंडशिप जो किसमें पूछी गई है वो ग्लेडियोलस की है। किसकी है? ग्लेडियोलस की। गुलाब की तो आपको याद रखना है सुपरस्टार आती है, इसके अलावा ला फ्रांस आती है, ला फ्रांस याद है नहीं है, और एक आपको पता है ना एक मिनिएचर गुलाब की कौन सी बहुत फेमस है, नट खट, अरे कौन सा खट, नट खट, एक लॉलीपॉप, ये सारी की सारी आपको पता है ना ये गुलाब की कुछ इंपोर्टेंट किस्में है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जाती है। और यहां पर ग्लेडियोलस,
फ्रेंडशिप और हैप्पी एंड जो है वो किसकी हो जाएगी, ग्लेडियोलस की हो जाएगी। विद्यार्थियों राइट आंसर इसका बी होगा, क्या होगा, बी होगा, बिल्कुल यहां पर राइट आंसर सेकंड ऑप्शन है। विद्यार्थियों अगला सवाल, प्राकृतिक ऑक्सीजन का अग्रगामी ग्लाइसिन मिथियोनिन IPP ट्रिप्टोफैन बताइएगा। बिल्कुल विद्यार्थियों आंसर दीजिएगा ग्लाइसिन मिथियोनिन IPP और ट्रिप्टोफैन, आंसर दीजिएगा विद्यार्थियों। प्राकृतिक ऑक्सीजन का अग्रगामी क्या होगा, देखिएगा यहां पर, देखिएगा मिथियोनिन जो लिखा हुआ है ये तो इथाइलिन का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, इथाइलिन हार्मोन का हो जाएगा। ध्यान रखना ये अग्रगामी जो है इसको पूर्वगामी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्वगामी, ध्यान रखना, यानी है ना। और यहां पर आपसे पूछा गया है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन जो है ये पौधे के शीर्ष भाग में बनता है और कौन से तत्व की मदद से बनता है, तो ऑक्सीजन जो है वो आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन जो है पौधे के शीर्ष भाग में, कहां पर, शीर्ष भाग में बनता है, कौन सा तत्व भाग लेता है, तत्व यहां पर होता है जिंक, और एमिनो एसिड जो होता है वो ट्रिप्टोफेन होता है। देखते हैं कितने विद्यार्थियों ने राइट आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर डी जो है नीलेश गुर्जर आर्ट्स वाले बता रहे हैं यहां पर ऑप्शन फोर, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा, ट्रिप्टोफेन। या यदि मिथियोनिन पूछा जाए तो ये इथाइलिन का हो जाएगा, मिथियोनिन किसका हो जाएगा, ये इथाइलिन का हो जाएगा, याद रखना है विद्यार्थियों। चलो विद्यार्थियों अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा, आत्मा का पूरा नाम है, अरे विद्यार्थियों अपनी आत्मा नहीं, किसी भूत की आत्मा नहीं है, है ना, आत्मा क्या है, एक एग्रीकल्चर की संस्था है, इसका नाम बताना है, बताओ विद्यार्थियों आत्मा का पूरा नाम क्या है, बिल्कुल आंसर दीजिएगा विद्यार्थियों। चलिएगा बिल्कुल विद्यार्थियों पूरी मेहनत के साथ, भूत की नहीं है ना, भूत की नहीं किसान तक जानकारी भी बता रहे हैं। चलो संध्या रवीना, संध्या संगीता सेकंड बता रहे हैं, रोम रोम तीसरा बता रहे हैं, यहां पर दूसरा आंसर सतीश कटाना तीसरा दे रहे हैं, नमस्कार किसान तक जानकारी, नमस्कार नमस्कार आपका स्वागत है। बुलडोजर बाबा इन्होंने भी बताया है, बाबू तस्कर जीरो है ना, इनका कोई आंसर ही नहीं आ रहा है क्योंकि इनके पल्ले नहीं पड़ रहा है। चलिएगा शंकर चौधरी तीसरा बता रहे हैं, कालूराम यादव दूसरा बता रहे हैं, बुलडोजर बाबा ये दूसरा बता रहे हैं, चलिएगा नरेश डामोर जो है वो दूसरा बता रहे हैं, बिल्कुल विद्यार्थी। चलिएगा यहाँ पर, अब यहां पर देखें एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एसोसिएशन, क्या ये इसका नाम होगा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, क्या ये इसका नाम होगा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन एजेंसी, ये या उपरोक्त में से कोई नहीं, यहां पर आपको बताना है। देव आंसर देव आप लोग सेकंड आंसर बता रहे हैं, है ना, नशा दौलत का नहीं कामयाबी का करो, विद्यार्थियों सुनिएगा, नशा दौलत का नहीं कामयाबी का करो, जिद मोहब्बत की नहीं जिद मंजिल की रखो। विद्यार्थियों हमें जिद मंजिल की रखनी चाहिए, है कि नहीं है, तो ताकि हम क्या है मंजिल तक जाने पर क्या है हमें कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए NCA हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रहा है। देखिएगा आत्मा ये गलत होगा विद्यार्थियों, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारे कई सारे रसगुल्ले यहां पर दे रहे हैं, है ना, यहां पर लगभग सेकंड आंसर भी दे रहे हैं और फर्स्ट आंसर दे रहे हैं, फर्स्ट तो गलत हो जाएगा विद्यार्थियों, है ना, फर्स्ट यहां पर क्या है गलत हो जाएगा। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी जो है आत्मा का पूरा नाम है, इस आत्मा को 2005-06 ध्यान रखना 2005
2006 के अंदर इसको क्या है लॉन्च किया गया। ऑब्जेक्ट सुनिएगा, इसका क्या उद्देश्य है, उद्देश्य यह है कि वैज्ञानिकों के द्वारा अनुसंधान केंद्रों पर जो रिसर्च या टेक्नोलॉजी हो रही है उनको किसानों तक पहुंचाना है। ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है, और ये क्या है तकनीकी जो होती है इसको किसानों तक लेके आने का काम क्या होता है आत्मा का होता है। बिल्कुल ठीक है, चलिएगा चलिएगा ठीक है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। विद्यार्थियों अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा कि लाल बाग बगीचा कहां स्थापित किया गया है। लाल बाग बताइएगा आप लोग, लाल बाग कहां पर है आंसर दीजिएगा आप लोग, है कि नहीं है। लाल बाग जो है क्या दिल्ली में है, क्या कोलकाता में है, क्या बेंगलोर में है, क्या पुणे में है, क्या अपने घर के बगल में है, बताओ आंसर दीजिएगा विद्यार्थियों। दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, पुणे, पहला आंसर यहां पर मोनिका रेखा तीसरा दे रहे हैं, अजय मीना पहला बता रहे हैं, संध्या रवीना, संध्या संगीता इन्होंने तीसरा बताया, अजय मीना पहला बता रहे हैं, शिवदयाल का लाडला पहला बता रहे हैं, सुनीता जो है वो पहला बता रहे हैं, बुलडोजर बाबा यहां पर सी बता रहे हैं, संध्या रवीना संगीता इनका जो है तीसरा आ रहा है। देखते हैं क्या आंसर होगा इसका विद्यार्थियों, धैर्य बनाए रखे, हम हमारे अंतिम चरण में जा रहे हैं, हमारा युद्ध जो है मिशन जो है वो अंतिम चरणों में पहुंच चुका है। देखिएगा दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, पुणे, दिल्ली नहीं होगा, कोलकाता नहीं होगा, देखते हैं अब तो दो ही बच्चे, बताओ। लाल बाग जो है इसके अंदर फूलों की सबसे बड़ी गड़ी है ना, फूलों की सबसे बड़ी इसके अंदर क्या है गड़ी है, फूलों की सबसे बड़ी इसके अंदर गड़ी है, ध्यान रखना। तो ये गार्डन बगीचा कहां है, ये बेंगलोर में है। अरे विद्यार्थियों कहां है लाल बाग, ये बेंगलोर में है। आओ एनसीए पर हम आपको घुमा के लेके आएंगे, है ना, बहुत जल्द आप सभी एनसीए पे आ जाओ, फिर मैं आपको जल्दी से यहां पर लाल बाग का घुमा के लेके आता हूं। चलो विद्यार्थियों बिल्कुल तीसरा आंसर हमारे सभी विद्यार्थियों ने दिया। विद्यार्थियों अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पे, किसमें व्हाइट हर्ट देहिक विकार होता है बताइएगा, गाजर में, चुकंदर में, खरबूजे में, तरबूजे में, बताओ। फ्लोरल क्लोक, बिल्कुल बिगेस्ट फ्लोरल क्लोक जो है वो हमारे लाल बाग गार्डन में है, आंसर दो। बिल्कुल है ना, बिल्कुल सावधान होके क्लास देखो आप लोग, है ना, आलस कोई नहीं करेगा, है ना, आलस्यनम शरीरस्थो महान रिपु, है ना, आलस्य इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, आपको क्या है सफलता के लिए आलस्य त्यागना होगा। रजाई में बैठ के कोई क्लास नहीं देखेगा, जो भी विद्यार्थी रजाई में बैठा हुआ फटाफट रजाई को फेंक के बाहर बैठे हो, बिल्कुल अलर्ट चलिएगा विद्यार्थियों। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर फोर यहां पर दे रहे हैं, व्हाइट हेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट कर लेना आप लोग। चौथा आंसर मूंछ वाले बनासा डी बता रहे हैं, नरेश जो है वाटरमेलन बता रहे हैं, मोनिका रेखा यहां पर फोर्थ ऑप्शन, खान साहब हमारे जो है वो डी मूंछ वाले बनासा यहां पर फोर्थ बता रहे हैं, नरेश जो है वो डी बता रहे हैं, लगभग सभी विद्यार्थियों का यहां पर डी आंसर आ रहा है। बिल्कुल गाजर में तो देखो आपको पता है यहां पर गाजर की बात करें तो केवेटी स्पॉट होता है, केवेटी स्पॉट याद रखिएगा, एक इसके अंदर फोर्किंग होता है, फोर किंग होता है, रिवीजन करो, और एक कौन सा होता है पीतीनेस, कोई सा भी पूछे गलत नहीं होना चाहिए। चुकंदर ध्यान रखिएगा, खरबूजे के अंदर ध्यान रखना एक पिल्लो डिजीज होती है, और तरबूज के अंदर यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तरबूज हो जाएगा। व्हाइट हाइट यहां पर ध्यान रखिएगा किसका डिसऑर्डर है, ये तरबूज का है, किसका है विद्यार्थियों तरबूज का है। विद्यार्थियों अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पे, स्वार्ड लिली जो है वो किसे कहा जाता है, स्वार्ड लिली को जाना जाता है केना, ग्लेडियोलस, गेंदा, गुलदाउदी, बताइएगा स्वार्ड लिली जो है वो किसको कहेंगे अपन, क्या केना को कहेंगे, क्या ग्लेडियोलस को कहेंगे, क्या गेंदा या गुलदाउदी, बताइएगा विद्यार्थियों बताइएगा। बिल्कुल राइट आंसर यहां पर क्या होगा बताइएगा, कि यहां पर स्वार्ड लिली जो है ये किसे कहेंगे हम, सुनीता भी बता रहे हैं, नरेश सी तीसरा, रोम रोम सेकंड, शिवदयाल का लाडला सेकंड बता रहे हैं, भव्या भी बता रहे हैं, मोनिका रेखा दूसरा बता रहे हैं, बुलडोजर बाबा जो है
चलिएगा संध्या रवीना संगीता इन्होंने दूसरा बताया है। देखते हैं विद्यार्थी यहाँ पर राइट आंसर जो है वो कौन सा देते हैं। यहाँ पर बी यहाँ पर आंसर दे रहे हैं। देखते हैं बी आंसर यहाँ पर ज्यादा दे रहे हैं आंसर। चलो देखिएगा यहाँ पर स्वर्ड लिली जो है बिल्कुल ग्लेडियोलस को, किसको कहा जाएगा ग्लेडियोलस को, ध्यान रखना गुलदाउदी को ध्यान रखना है, इसको पूर्व की रानी, अरे कहाँ की रानी पूर्व की रानी इसको कहते हैं, और इसको शीत की रानी भी कहते हैं, किसको शीत की रानी याद रखिएगा शीत की रानी, क्वीन ऑफ ईस्ट इसको अपन कहते हैं, क्वीन ऑफ ईस्ट याद रखना है ठीक है, और इसको ओटम क्वीन के नाम से भी जानते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए, ये इनके अन्य नाम है। यहां पर ग्लेडियोलस जो है ये फ्लोराइड की विषाक्तता को बताता है, किसको फ्लोराइड टॉक्सिसिटी जो होती है उसको भी ये शो करता है, याद रखना ग्लेडियोलस का क्वेश्चन कहीं बार यहां पर पूछा गया है ठीक है। चलिएगा विद्यार्थी यहां पर राइट आंसर जो है वो सेकंड हो जाएगा। विद्यार्थियों अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा, गाजर में कौन से तत्व की प्रचुरता होती है, कैल्शियम लोहा पोटेशियम सल्फर है ना। विद्यार्थियों अंतिम सवाल जो हमारे 20वें नंबर का सवाल रहेगा वो बहुत ही शानदार जानदार सवाल होने वाला है, कोई विद्यार्थी क्लास छोड़ के जाना चाह रहा है तो दिल थाम के बैठिएगा, अंतिम सवाल बहुत जबरदस्त है, दीजिएगा आंसर यहां पर, क्या कैल्शियम लोहा पोटेशियम सल्फर गाजर में कौन सा तत्व होता है, देव आंसर। चलो आंसर क्या होगा, पहला आंसर यहां पर ज्यादातर दे रहे हैं कैल्शियम, यहां पर ज्यादा दे रहे हैं, गाजर में कौन से तत्व की प्रचुरता, कैल्शियम लोहा पोटेशियम सल्फर बताइएगा। कृषि प्रवेशक भर्ती फरवरी मार्च तक आने की संभावना है बेटा, चंदा पटेल पहला, यहां पर ज्यादातर विद्यार्थी पहला आंसर, शिवदयाल का लाडला इन्होंने तीसरा दिया है, मोनिका ने पहला, राकेश ने ए, अजय मीना ने, यहां सभी ने एक ही आंसर दिया है, जो सभी ने आंसर दिया है वो गलत होगा, कैल्शियम नहीं होगा, आयरन नहीं होगा, पोटेशियम होगा, क्या होगा पोटेशियम, प्रचुर मात्रा में ये इसके अंदर पोटेशियम रहने वाला है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। विद्यार्थियों ये रहा विद्यार्थियों आज का अंतिम सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट से संबंधित क्वेश्चन है, देव आंसर देखो मैं आपको बता देता हूं, एक तरफ संस्था है और एक तरफ उनके स्थापना वर्ष हैं, आपको यह बताना है कि किसकी स्थापना कब हुई है। तो विद्यार्थियों मैं थोड़ा सा इसको जूम करने की कोशिश करता हूं, कोई समस्या आएगी इनकी, चलो आंसर देव देखे, तुक्का नहीं, तुक्का नहीं, हाँ बिल्कुल तुक्का नहीं लगाना है ना, तुक्का नहीं लगाना है, आंसर पढ़िएगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम कब स्थापित हुआ, कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और ये नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नाफेड के नाम से जिसको हम पढ़ते हैं, आंसर दीजिएगा विद्यार्थियों क्या आंसर होगा। लवन कुमार धौलपुर की पावन धरती से प्रणाम, प्रणाम बेटा आपका, स्वागत है एनसीए डिजिटल क्लासेज पे आपका भी, आंसर दे आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन को कॉपी के अंदर नोट कर लो या इसका स्क्रीन शॉट ले लो आप, यहां चार संस्थान मैंने रखे हैं, कोई सा भी संस्थान एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो देव आंसर देव, चलो यहां पर बी आंसर जो है ज्यादा दे रहे हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या होगा। देखो भारतीय खाद्य सुरक्षा जो निगम है इसकी स्थापना जो है वो ध्यान रखना है 1965 में हुई है, तो पहले का ऑप्शन तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। कृषि और ग्रामीण विकास, अरे अभी अभी बताया था 12 जुलाई 1982,
तो यहां पर आपको पता है दूसरा जो है इसके अंदर क्या हो जाएगा, दूसरा, दूसरे क्या, हाँ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर इसका हो जाएगा दूसरा, उद्यानिकी बोर्ड जो है तीसरे का हो जाएगा तीसरा, कौन सा हो जाएगा तीसरा, और नाफेड का जो है वो चौथे का कौन सा हो जाएगा पहला। तो हमारे आंसर्स ये रहे, चौथा दूसरा तीसरा पहला, तो देखिएगा चौथा दूसरा तीसरा और पहला, बिल्कुल यहां पर जिस भी विद्यार्थी ने दूसरा आंसर दिया है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल यहां पर अच्छे से आप इस क्वेश्चन को पढ़ना विद्यार्थियों, और इसका राइट आंसर जो है मैंने आपको बता दिया है, ये रहा विद्यार्थियों सेकंड ऑप्शन। तो विद्यार्थियों ये थी अपनी आज की क्लास। अब मैं आपको कुछ एनसीए के होनहार विद्यार्थी है जिन्होंने अपनी सफलता का परचम लहराया है, देश की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उनका सिलेक्शन हुआ है, तो उन सभी विद्यार्थियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन हमें यह देखना है वो विद्यार्थी कौन से हैं। ये रहे विद्यार्थी, देखिएगा आप लोग, कृतिका सांडिले, आपको पता है ये वही बालिका है जिसका मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है, ये वही बालिका, वापिस रिपीट करते हैं, ये बालिका ट्वेल्थ के साथ पूरे राजस्थान बोर्ड को इसने टॉप किया है, 98% इसके 12वीं क्लास के अंदर बने हैं। दूसरी उपलब्धि थी इसकी ये है, दूसरा अचीवमेंट इसका ये है कि इसने ट्वेल्थ के साथ ही पूरे राजस्थान में जेट प्रवेश परीक्षा के अंदर क्या है, प्रथम स्थान इसने फीमेल कैटेगरी में इसका रहा है, ऑल राजस्थान इसकी दूसरी पोजिशन रही है, बहुत जबरदस्त। और आज आप देखिएगा ICAR की जो काउंसलिंग थी उसकी पहली लिस्ट में इस बालिका का चयन इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI न्यू दिल्ली में इसका सिलेक्शन हुआ है। क्या जबरदस्त इसका इस साल परफॉर्मेंस रहा है, ये अपने लिए NCA के लिए एक गौरव की बात है। बालिका को संस्थान की तरफ से हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं, जबरदस्त रिजल्ट है। इसके अलावा देखो इधर ये बालक जो है विशाल मीना, इसका भी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में दोनों बालक और बालक का जो है सिलेक्शन IARI में हुआ है। कुछ और विद्यार्थी आपके सामने हैं, देखो यहाँ पर ये सारे इंद्र सिंह, इनका भी बहुत, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ है, हंसराज का भी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, याद करो हमारा SBI भी तो वही है, सुगर गैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है कि नहीं है। चलो और दिखाते हैं आपको, ये सारे विद्यार्थी हैं, इनका कंप्लीट जो सिलेक्शन का पैरामीटर सिलेक्शन कैसे इन्होंने लिया है, क्या इनका क्राइटेरिया रहा है, हम इन विद्यार्थियों को भी आपसे मिलवाएंगे और एक कल शानदार वीडियो आपके सामने आने वाली है। तो विद्यार्थियों ये तो विद्यार्थियों इनकी बात थी जो चयनित सितारे थे, अब समाप्त करते हैं। कल हमारा 30वां एपिसोड 8 बजे रहेगा, जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूं, फिक्स 8 बजे क्लास हमारी NCA YouTube पे प्रारंभ हो जाएगी। विद्यार्थियों आप सभी को शुभ रात्रि, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।